स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने फिर से जो चीनी ऐप थे, लगभग 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। अब आपको ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि फ्री फायर जो कि सबसे ज़्यादा युवाओं में फेमस था, उसको बैन कर दिया गया है। अब इसी को लेकर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, तो आइए इनसे राय जानते हैं कि ये जो ऐप्स बैन किए गए, इनको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। हेलो, तो जैसे कि अब ब्यूटी कैमरा है, उसको बैन कर दिया है चीनी ऐप ने, भारत ने, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ऐप को बैन किया है, ये बहुत सही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि चाइना जो है वो हमारे ऊपर वैसे भी बहुत अटैक कर चुका है, तो उससे मतलब भारत जो है, तो जैसे एक ऐसे क्रेज चला हुआ है फिल्टर्स का, ब्यूटी का, तो अब उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला आप पर? नहीं, और भी ऐप्स है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा, अपनी इंडियन ऐप्स को। हाँ, इंडियन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, इंडियन ऐप्स बनाएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी हमारे। जैसे कि इसी के साथ जो फ्री फायर है, उसको भी बैन कर दिया गया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, बट मैं मानता हूँ कि देश में बहुत सारे पबजी यूजर्स थे जो पबजी खेलना पसंद करते थे, उनको थोड़ा दुख हुआ होगा, पर सबसे पहले हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, जो चाइना हमारे लिए एक सबसे बड़ी थ्रेट है, और वो हमें पर हमला करता है, और हमारे यहाँ से उनकी कंपनी लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कमाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक खतरा है, और मैं सोचता हूँ कि देश के सभी युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो उन्हें थोड़ा दुख तो हुआ होगा, पर टाइम के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब आप नए लोगों से मिलेंगे, आप गेम छोड़कर आप एक बार बार लोग एक तरह से हैप्चुल हो गए थे, जो लड़कों की बात करें तो बहुत क्रेज चला था उनमें पूरा दिन। या आई थिंक यू आर राइट, बट देयर आर सम अदर्स एस्पेक्ट्स आल्सो। देखिए, जो मैं मानता हूँ कि इसके पूरी तरह हैबिचुअल हो चुके थे, परंतु धीरे धीरे मैं अभी गेम की दुनिया से बाहर आएंगे, और उन्हें जो अपने समाज में नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जब एक दूसरे से बात करेंगे, तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर दैट देम, दे कम फ्रॉम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। से जो गेम खेलने से उनको स्ट्रेस होता है, पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं, और जो अब ये थोड़ा अपने उस बॉडी पर भी ध्यान दे पाएंगे, आई थिंक इट इज़ गुड। और सेकेंडली, जो चाइना है वो हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, और हमें उसके काउंटर करने के लिए ऐसे और स्टेप्स लेने चाहिए। और तो फिर आप अपना टाइम किस पे स्पेंड करने वाले हो? ये बंद हो गया है, क्या पढ़ाई पे फोकस करोगे या कोई और गेमिंग ऐप देखने वाले हो? नहीं, अभी तो पढ़ाई पर भी फोकस होगा, और थोड़ा बहुत कॉलेज में आए हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनके साथ थोड़ा। तो जैसे कि बात करें, इसी के साथ टिकटॉक पिछले साल बैन किया था, और इसके साथ कहीं ना कहीं युवा जो थे रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहा था, तो क्या लग रहा है आपको कि ये बैन किए गए, कहीं लॉस तो नहीं हुआ है? लॉस तो हुआ ही है, जिसके फॉलोअर्स थे उनका लॉस हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि बैन करे, क्योंकि चाइना की कंपनी थी, जो एक तो हमारा उससे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे आक्रमण वगैरह ज़्यादा होते रहते हैं, और जिससे कि चीन है कि इससे काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा था, इसीलिए ठीक ही है एक तरफ से इंडिया के लिए कि ये बैन कर दिया गया। और इसके लिए मतलब स्टडी पे भी फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि वीडियो में घुसे रहते थे, स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैन हो गया, तो स्टडी पे फोकस भी हो सकता है। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि अब स्टडी पे फोकस होगा, ये ऐप्स बंद कर दे, लेकिन अब भारत के ऐप को प्रेफर करोगे अब ज़्यादा? हाँ, भारत के ऐप्स को तो प्रेफर होंगे, लेकिन स्टडी पे ध्यान जाएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ऐप्स हैं जो इंडिया ने भी डेवलप कर लिए और बाकी कंट्रीज़ की भी हैं, तो बच्चे अब उसको छोड़ के अब उस पर चले जाते हैं पूरा टाइम, चाहे गेम हो। फ्री फायर बंद हो गया तो अब कुछ और देखेंगे, जैसे पबजी बैन हुआ तो देन फ्री फायर आ गया, फ्री फायर की जगह अब कुछ और आ जाएगा। तो मतलब सरकार को कोई पुख्ता कदम उठाना चाहिए, लेकिन इससे कोई लॉस नहीं हुआ जो भारत ने ये ऐप्स बैन किए हैं, कोई नुकसान की बात नहीं है ज़्यादा? ज़्यादा नुकसान की बात तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर उसी के प्लेस पे इंडिया में डेवलप होगा तो जो इकोनॉमी, जो पैसा चीन ले रहा था, वो अब इंडिया में ही रहेगा। धन्यवाद। तो ये पहली बार नहीं है जब भारत ने चीनी ऐप्स को बैन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2020 में भारत ने सबसे फेमस टिकटॉक ऐप समेत अन्य जो 59 ऐप हैं उनको बैन कर दिया था, लेकिन अब आपको बता दें कि जो टिकटॉक था वो बहुत ही फेमस था, और इसी के साथ अब फ्री फायर है, उसको भी बैन कर दिया गया है। तो जो युवा है हमारी, अब उनका क्या रिएक्शन रहता है इस चीज़ को लेकर, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं वनीता, ACP नेटवर्क, पानीपत।